हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी साबुदाना वड़ा। इसे आप मेरे सारे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएं तो ये फटेंगे भी नहीं और फ्राई करते वक्त वड़ा तेल भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में एक कप साबुदाना लेंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने से इसका स्टार्च निकल जाएगा। तो ये देखिए पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसे भी स्ट्रेन कर देंगे। अब इसमें 1/2 कप + 2 टेबलस्पून या 2/3 कप पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो साबुदाना खिले खिले सोख नहीं होंगे। तो अब ढक कर 2.5 से 3 घंटे रखेंगे। तो जब तक साबुदाना सोख हो रहा है तब तक कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो 1/2 कप मूँगफली लेंगे, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके इनका छिलका उतार लिया है, और इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। अब 3 मीडियम साइज के बॉयल आलूओं को इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से साबुदाने के साथ मिक्स करना इजी होगा। तो इसी तरह सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है मैंने। अब इसके साथ खाने के लिए एक तीखी चटनी बनाएंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें, तीखा कम पसंद हो तो 2 मिर्चें भी काफ़ी हैं। इसी के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून पानी। और अब इन्हें फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सेंधा नमक वाली चटनी बनकर तैयार है। कलर और थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो 2.5 घंटे हो गए हैं, साबुदाना बहुत अच्छे से सोख हो गया है। इस तरह मैश करके देखेंगे तो ये अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। एक एक दाना खिला खिला सोख हुआ है। बस पानी को ध्यान में रखते हुए सोख करेंगे तो साबुदाना बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अब एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे 2 फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 3 टेबलस्पून धनिया, 1.5 टीस्पून सेंधा नमक या टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून लेमन जूस, दरदरी पिसी हुई मूंगफली और सोख किया हुआ साबुदाना। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा मिक्सचर तैयार है। अब बनाएंगे वड़ा। तो हाथों पर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि वड़ा बनाते वक्त हाथों पर चिपके नहीं। तो इस तरह एक पोर्शन लेंगे मिक्सचर का और टाइट बॉल की तरह रोल आउट करेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए टिक्की की तरह बनाएंगे। साइड से भी शेप देते जाएंगे। बस ध्यान रखना है साइड से क्रैक ना हो। अगर वड़े साइड से क्रैक होंगे तो ऑयल में फट जाएंगे और बहुत ऑयल पिएंगे। तो इस तरह से सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर एक एक वड़ा डालते जाएंगे। एक बार में 3 से 4 वड़े डालें ताकि टेम्परेचर डाउन ना हो, या कढ़ाई के हिसाब से डालें। अब वड़ों को दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो वड़े तैयार हैं, कलर आप देख सकते हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के वड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सर्व करेंगे गर्म गर्म और टेस्टी तीखी चटनी के साथ। इसे बनाएं और अपने फीडबैक मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।